ज्योमेट्री में आपके सोचने की दिशा बदल देंगे। कैट 2023 का सवाल। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सेमी सर्कल के अंदर सबसे बड़े एरिया का एक आयत रेक्टेंगल बनाया गया। इस आयत की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात आपको बताना है। सोचो, तिगड़म्बाजी बहुत है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस अर्धवृत्त को अगर पूरा वृत्त कर दूं, इस आयत को पूरा कर दूं, तो ये देखो क्या बन गया, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर वर्ग नहीं बन गया मेरे दोस्तों। स्क्वायर की चार भुजाएं बराबर होती है भाई। अगर आप देखो कि ये लंबाई 2 है मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा 1:1। यानी कि आयत की सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा का रेशियो क्या आएगा, 2:1। आगे का सवाल भी सिखा रहा हूं, फ्यूचर का क्वेश्चन कि भाई सर्कल की त्रिज्या 2 है, आपसे आयत का एरिया पूछा जाए, तो सर्कल की भुजा अगर 2 है तो व्यास 4 होगा, स्क्वायर का विकर्ण भी 4 होगा। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 4 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, d² / 2, यह आ जाएगा 8। पूरे स्क्वायर का एरिया है, आपसे तो आयत का एरिया पूछा जाएगा, तो आयत का एरिया और भी आधा होगा, 4² इकाई। दोनों कांसेप्ट आपको सिखा दिए, गजब का तरीका। इन सवाल की हकीकत देख ले आप, यो और यो सवाल एक है, इसमें भुजाओं का अनुपात पूछ लिया, इसमें क्षेत्रफल पूछ लिया, तो फुल प्रैक्टिकल के साथ देखे और समझे। अर्धवृत्त है, त्रिज्या 2 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा व्यास। अर्धवृत्त में आयत ही बनेगा, बना दिया गया। अब इसकी भुजा बतानी है और नीचे इसका क्षेत्रफल बताना है, तो आपको क्या करना है, पहले इस अर्धवृत्त का वृत्त बना लो। जो आपका आयत है, जब इसको यहाँ मिलाओगे, इसको यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका वर्ग। व्यास 4 है, तो वर्ग का विकर्ण भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वर्ग का विकर्ण देख लो आप कितना है, आपका 4 है, इसका मतलब √16। और वर्ग है तो इसकी गुणा √16, तो इसको लिख लो आप कितना, √8, इसको लिख लो आप √8। क्लियर, देख लो आप, आपका √16 आ जाएगा। इसका मतलब है ये √8 आ गई, ये √8 आ गई, क्योंकि वर्ग है, चतुर्भुजा बराबर होती है। हमें बताना है कौन सा आयत, ये वाला भुजा बतानी है इसकी, तो √8 क्या है, तो √8 क्या है, अब ये हो जाएगा भुजा का हाफ। अभी तो कहते थे कि 2:1, अब देख ले आप, √8/2 भुजा का अनुपात बनाना है, बना लो √8/2 / 8, बटे खत्म कर दो आप, 2 से गुणा यहाँ करोगे, 2 से गुणा यहाँ, √8 से √8 गया, तो क्या रहेगा आपका, 1:2, यानी कि 2:1, बड़ी और छोटी भुजा। अब क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। बिल्कुल सेम सवाल है ये, तो ही त्रिज्या है, देख लो आप डायरेक्ट देख लो, √8/2 × √8 गुणा कर ले आप, 8/2 बराबर कितना, 4, या इसकी गुणा कर लो, ये 8 पूरे का आ गया, 2 कर ले, इसका आ गया हाफ का आ गया, देख ले आप, तो क्लियर।